वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशस लिब्रास कैसे हैं आप सब लिब्रास आई रली रली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और हैप्पी न्यू ईयर लिब्रास आई रली विश कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा गुजरे और ये आपकी करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है इस रीडिंग में बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है जिसे आप पसंद करते हैं और जो रोमांटिकली जिसके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं अभी इस वक्त और क्या इमोशंस हैं इनके आपके लिए और इनके सब कॉन्शियस थाट्स क्या हैं आपके लिए कॉन्शियस थाट्स क्या हैं आपको किस लाइट में ये पर्सन देख रहा है ये सब चीज़ें हम देखेंगे एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं ओके okay? और आप क्या इमोशंस रखते हैं इस पर्सन के लिए और आप दोनों की एनर्जीज मिल के किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग इमोशन सॉरी स्पिरिचुअली मेचोर बने और uh, uh, अपने ऊपर इस रीडिंग को तभी लें अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट कर रही है तो ऐसा रेयरली होता है कि 100 परसेंट कोई रीडिंग आपसे रिलेट करे बट हो भी सकता है बट बीच बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि येस ये मैसेजेस आपके हैं या फिर ये रीडिंग आपकी है बट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि पर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ये रीडिंग मेरी नहीं है तो उस टाइम पे बहुत ही माइंडफुल रहिएगा कि ओनली टेक वॉट रेजनेट्स ओके ऐसा नहीं है कि Um, आप किसी अच्छे कनेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और एक नेगेटिव कार्ड आता है और मैं आपको कुछ बोलती हूँ फिर आप डाउट करने लगते हो अपने पर्सन पे ये सब मत करना बिकॉज मैं पिछले कुछ रीडिंग से नोटिस कर रही हूँ कि लोग ऐसा करते हैं मैं कुछ बोलती हूँ और कॉमेंट में बोलते हैं अच्छा मेरा पर्सन ये सोच रहा है आई नीड टू फाइंड आउट वॉट इज गोइंग ऑन डोंट डू दिस ओके ओनली टेक इफ इट रेजनेंट इट्स एज सिंपल एज दैट ओके सो ये साइड आपके पर्सन का है और ये साइड आपका है लब्राज और चलिए शुरू करते हैं तो आपकी पर्सन की साइड से हायरफेंड आया है सबसे पहले उसके बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल है उसके बाद में पेज ऑफ शॉर्ट्स है उसके बाद में द वर्ल्ड है ओके सो दिस इज़ लुकिंग गुड ये बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है और स्टार्टिंग में जो हम एनर्जीज निकालते हैं वो मेन एनर्जीज़ होती है आपके कनेक्शन की और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस थाट्स भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे You know? Okay. तो आपकी मेन एनर्जी अभी आपकी लव लाइफ़ में आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं से निकल रहे हो आप कहीं से डिटैच हो रहे हो और पिछले कुछ समय में आपने बहुत सारे अपने इमोशंस को प्रोसेस किया है आप लिटरली किसी जगह से निकले हैं आपने किसी कनेक्शन से खुद को डिटैच किया है बट अगर मैं आपकी पर्सन की साइड देखूँ मुझे नहीं पता ये कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ में बट इनके इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है लबराज ओके सो so, um, अलग अलग जगह पे आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं आप पास्ट से निकल रहे हैं या फिर पुरानी जो चीज़ें डिफ़िकल्ट चीज़ें आपकी लव लाइफ में हुई हैं आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं और अभी अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं तो बेसिकली अगर मैं आपका साइड देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप आप ऑलरेडी निकल चुके हैं किसी परेशानी से अपनी लव लाइफ़ में या फिर ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया है और अगर मैं इस पर्सन को देखूँ तो ये पर्सन आप में हाईली इंटरेस्टेड है तो मुझे जो स्टोरी लाइन अभी आपकी समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है है कि ये कोई हो सकता है कि नया पर्सन हो ओके okay? uh, पे कुछ न्यूनेस की एनर्जी है बिकॉज़ uh, पे पेज ऑफ़ है तो ओके okay, ये शायद कोई नया पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में आया है जब आप किसी और परेशानी से निकले हैं यू नो आपने किसी और चीज से मूव ऑन किया है नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट मैं आपको बताती हूँ यहां पे आपकी लव लाइफ़ में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं आपने डिसाइड किया है कि आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहेंगे जिस कनेक्शन में आपको यू आप, नो you know, आपका पर्सन डिसरिस्पेक्ट करे या फिर आपको कोई पर्सन डोमिनेट करे आप यहाँ पर आपका जो सेल्फ स्टीम है या फिर सेल्फ केयर है वो आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है लबराज और ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि मैं उसी पर्सन को अपना टाइम और एनर्जी दूंगी या दूंगा जो पर्सन मुझे इन रिटर्न वो वैल्यू दे रहा है ओके okay? तो ये आपकी uh, आपकी एनर्जी है लाइफ की कि आप खुद को नर्चर कर रहे हैं दूसरी एनर्जी है कि यहां पे कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में टेन ऑफ शॉर्ट्स है टेन ऑफ शॉर्ट्स पेनफुल एंडिंग्स बताता है तो हमें समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपने पेनफुल एंडिंग्स को एक्सपीरियंस किया है और आप इस एंडिंग्स uh, से बाहर oh, oh <laughs> देखिए ये कार्ड अपोजिट में गिरा है मतलब कि कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी भी प्रोसेस में हैं तो आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इस एंडिंग से इस पेन से बाहर अभी निकल चुके हैं आपने डिस्टेंस बना लिया है इस पेनफुल सिचुएशन से और आप मूव ऑन कर चुके हैं आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन नहीं किया है अभी ओके और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जैसे ही आपने मूव ऑन किया या फिर जो एक डिस्टेंस बनाया है इस पेनफुल सिचुएशन से आप सन की एनर्जी में आ रहे हैं मतलब पॉजिटिविटी में आ रहे हैं अच्छा फील कर रहे हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको अपना ऑफर देना चाहता है जो आपकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट दिख रहा है मुझे नहीं पता अभी कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है बट आप दोनों क्योंकि अलग अलग पेजेस पे हैं तो आई नो कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और आउट ऑफ द बॉक्स होने वाली है यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन हमें नहीं दिखेगी हमें बहुत ही अलग अलग चीज़ें दिखने वाली हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें यहाँ पर पर्सन दिख रहा है वो पर्सन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और ये पर्सन आपको अपना ऑफ़र देना चाहता है और ये पर्सन आपके लिए सीरियस है दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर इन एंड आउट करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो परमानेंटली आपके साथ रहना चाहता है लबराज़ क्योंकि ये ऑफर पेंटिकल का है और जब पेंटिकल के ऑफ़र आते हैं लाइफ में तो पेंटिकल का ऑफ़र ये बताता है कि एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए सीरियस कनेक्शन चाहिए ऐसा कनेक्शन चाहिए Uh, जिसमें हम एक फैमिली क्रिएट कर सके यू नो लाइफ टाइम साथ में रह सके मैरिज हो जिसमें तो uh, ये कोई पर्सन चाहता है आपके साथ में और एट द सेम टाइम यहाँ पे फ्रेंड भी है मैं बहुत ही साइड नोट दे रही हूँ बहुत ही साइड नोट है बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है Uh, हो सकता है कि ये पर्सन एक्चुअली आपको अरेंज मैरिज टाइप की सेटिंग में मिले आप में से कुछ लोगों के लिए बिकॉज़ यहाँ पे हायरोफ्रेंड है हायरोफ्रेंड ट्रेडिशनल वे को फॉलो करना बताता है और देर आर हाई चांसेस कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो सेम uh, रिलीजन का हो या सेम कास्ट का हो या फिर आप, आपका आगे साथ में रहना आसान हो एक दूसरे के लिए लाइक like फैमिली आप दोनों फैमिलीज की इन हो इस कनेक्शन के लिए बिकॉज द हायरोफ्रेंड है तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आप आपके लिए जो पर्सन फीलिंग्स रखता है या फिर जो आपको ऑफर देना चाहता है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है जो यू um, नो you know, सोसाइटी uh, के नॉर्म्स को फॉलो करता है या फिर जो भी चीज़ें लाइफ में करना चाह रहा है वो एक ट्रेडिशनल वे में करना चाह रहा है यू you नो know? तो अगेन दिस पर्सन इज़ समवन जो फैमिली ट्रेडिशन और कल्चर में बिलीव रखता है और उसी uh, उसी हिसाब से आपको ऑफर दे के आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है अगेन ये सारी uh, चीज़ें सुन के हमें ये भी समझ में आता है कि ये बहुत ही फैमिली ओरियंटेड पर्सन है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है जो कि हर एक चीज़ ट्रेडिशनल वे में करना चाहता है राइट बट एट द सेम टाइम इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इवन तो ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है और लॉन्ग टर्म चलने वाली एनर्जी होती है बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है नाइट ऑफ पेंटिकल अगर आपको ऑफ़र देना चाह रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के ऑफ़र देता है बट एक बार अगर ऑफ़र आ गया आपके पास इस पर्सन का या फिर एक बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गया या फिर आप दोनों ने म्यूचुअल डिसाइड किया रिलेशनशिप में रहने के लिए तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आगे जाता है और इस पर्सन इस कनेक्शन को कोई भी यू you नो know, um, Uh, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है फिर ये ज़िंदगी भर साथ देता है ये पर्सन एक बार आपकी लाइफ में आ गया तो बट अगर मैं इस पर्सन का थाट प्रोसेस आपके लिए बताऊँ तो अभी ये पर्सन um, यही सोच रहा है कि ये आपके साथ में लाइफ टाइम रहना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम ये पहले सारे इफ्स एंड बट्स को समझेंगे क्या आप रेडी हैं कनेक्शन के लिए क्या आप आगे लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या इनकी फ़ैमिली रेडी होगी इस कनेक्शन के लिए यू uh, नो you know, ये सारी चीज़ें अभी इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं डू रिमेंबर कि इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें चल रही है बट ये uh, जो ऑफर है ये आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये पर्सन इस कनेक्शन को पहले देखेगा परखेगा और ये सारी चीज़ें करेगा यू नो देर इज़ अ हाई चांस कि आप जैसे जैसे एक uh, दूसरे पेनफुल कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं वैसे वैसे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सम केसेज हो सकता है कि पर्सन अभी आपको मिला नहीं हो बट अगले एक दो हफ्ते में मिले बट फॉर श्योर कि जो एनर्जी दिख रही है ये किसी नए पर्सन की एनर्जी दिख रही है uh, हो सकता है कुछ महीनों से आप इस पर्सन के साथ हों या फिर हो सकता है कुछ दिन ही हुए हों बट ये थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे कनेक्शन मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा पुराना कनेक्शन नहीं है ये उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी uh, इस पर्सन की क्यूरोसिटी uh, दिखा रही है अभी आपके लिए ये पर्सन क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आप इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं आपका रूटीन क्या है आप किस टाइप के पर्सन हैं अभी भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए क्यूरियस है इसीलिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपको हंड्रेड परसेंट तरीके से शायद अभी जानता नहीं हो या फिर इतनी ज़्यादा आपकी बातें नहीं हो रही हो इतना ज़्यादा आपका मिलना नहीं हो रहा हो उस पर्सन से बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही क्यूरियस दिख रहा है आपके लिए यू you नो know, कि आप कहाँ जा रहे हैं क्या करें आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करें आप किस प, किस टाइप के पर्सन हैं वगैरह वगैरह और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है द वर्ल्ड की एनर्जी सबसे पहले तो ये बताती है कि देर इज़ अ हाई चांस कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हूँ आप ऑनलाइन मिले हों आप लोग अलग अलग शहर में रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं बट एट द सेम टाइम द वर्ल्ड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन पर्सन um, uh, आपको अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एंड यू मीन lot टू दिस पर्सन right नाउ एट लीस्ट ओके तो आप इंपॉर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए अभी उसके बाद आप यहाँ पे द एम्पर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और सेवन ऑफ वांस की एनर्जी में स्टैंड करें सी कुछ एम्पावरमेंट आपके अंदर आया है जब से आपने किसी चीज़ से एक डिस्टेंस बनाया है लिब्राज अगर पास्ट में आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे तो आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकले हैं और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के बाद में आप में एक एम्पावरमेंट आया है जैसे हम पहले सेल्फ लव की बात कर रहे थे वैसे ही आप द एम्प्रेर की एनर्जी में स्टैंड हैं जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ़ लव या फिर खुद को इम्पोर्टेंस देना खुद की इम्पोर्टेंस को समझना अपने आप को प्रायरिटी देना ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं जो चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपको चार्मिंग बना रही है नो लोग आपसे इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप अपने पावर या चार्म में स्टैंड कर रहे हैं यू नो आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रही हूँ कि जो भी चीज़ आपने डिसाइड की अपनी लव लाइफ में करने की या फिर जिस भी से आपने मूव ऑन किया है लबरास उस चीज़ ने आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे पोजीशन पे लाइफ में रखा हुआ है एम्पावर्ड फील कर रहे हैं आप यू नो कॉन्फिडेंट हैं आप आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपने लिए शायद आप अपने आप पे फोकस करें अपने करियर पर फोकस करें इसी लिए आप द एम्पर की जगह पर स्टैंड कर रहे हैं और द एम्पर एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि आप बहुत ही सोच समझ के अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे इस बार क्योंकि शायद आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं आप इस बार डिसाइड कर रहे हैं कि आप यू you नो know, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे आप आ, किसी को भी आप आ, अपने आप को डोमिनेट करने नहीं देंगे तो ये आप एम्पर की एनर्जी में दिख रहे हैं एम्पर सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्क टाइप है uh, सबसे हाई सेल्फ स्टीम सबसे हाई यू नो सेल्फ़ लव और कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी चाम ये सब चीज़ें आपके अंदर दिख रही हैं एट द सेम टाइम आप अपनी लव लाइफ में आपने डिसाइड किया है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे आपने डिसाइड किया है कि आप इमोशंस में नहीं बहोगे यू you नो know? आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे ऐसा दिख रहा है उसके बाद में यहाँ पे सेवन ऑफ वांस की एनर्जी है सेवन ऑफ वान्स की एनर्जी अगेन एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बताती है कि हर किसी को नई आने दे रहे हैं हर किसी के मैसेजेस का नई रिप्लाई कर रहे हैं हर किसी के कॉल का यू नो नई रिप्लाई कर रहे हैं और हमने बाउंड्री सेट करके रखी हुई है और आपने से कुछ लोग तो मुझे इस लेवल पे दिख रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा रेडी भी नहीं हैं अपनी लव रेडी एज इन कि आप हर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं हर किसी के साथ आप फ्लर्ट नहीं करेंगे आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं और यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है एक पर्सन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो आग टाइप्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल आया है और एक किंग ऑफ शॉर्ट्स आया है दो दो एनर्जीज आपकी लव लाइफ में दिख रही हैं हो सकता है दो ऑप्शंस हो आपके पास में या फिर हो सकता है कि दो लोग आपको पसंद करते हो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों लो, लोगों में आप भी इंटरेस्टेड हो बट येस देर आर पीपल अराउंड यू लिब्रास जो आपको लिटरली पसंद कर रहे हैं यू नो आपको लाइक like करते हैं और uh, यहाँ पे There इज़ अ हाई चांस कि आपकी लाइफ में आ, कोई वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो या फिर जेमनाए लिब्रा या इक्वेरियस हो, हो सकता है आपके पर्सन भी लिब्राज हो तो यहाँ पर बहुत सारे आर्क टाइप्स दिख रहे हैं हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं हो सकता है आप अपने चॉइसज़ यू नो आप सोच रहे हो कि कौन सा पर्सन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या फिर आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो बस आप दिख रहा है कि येस लोग मुझे इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कॉल्स आ रहे हैं बट आई डोंट केयर यू नो ऐसा भी एटीट्यूड आप हो सकता है उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वान्स की एनर्जी है और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ वान्स की एनर्जी है और सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है अब क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं तो मैं इस इस पूरे पोर्शन को एक आ, सिंगल पर्सन की एनर्जीज नहीं मानूंगी बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं यहाँ पे अभी जो हमें पर्सन दिख रहे हैं वो देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है अभी जो पर्सन दिख रहे हैं ये उस पर्सन की एनर्जी है जो जिनसे आप पास्ट में डील कर रहे थे फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट बिकॉज हमने देखा था यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है ये परमानेंट ऑफर है ये कोई शायद से नया कनेक्शन है जो आप में इतना आपको लेके इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है यहाँ पर हम आपके पास्ट की बात करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ आंस की एनर्जी है नाइटोफांस फॉर श्योर आपका पास्ट पर्सन है लिब्राज और ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये रीडिंग मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी आपकी रीडिंग में आने लगती है तो तो यहाँ पर नाइटोफानस की एनर्जी है और नाइटोफानस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी होती है तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप इन एंड आउट हुए हैं यू नो कभी आप कनेक्शन में रहे हैं कभी आप कनेक्शन में नहीं रहे हैं और uh, कभी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है आपके लिए कभी इस पर्सन ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है अभी एट प्रेजेंट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है और इस पर्सन का डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न ये हो सकता है कि आपने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया हो या फिर आपने मूव ऑन कर लिया हो यहाँ पे आपके पास्ट के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है तो हो सकता है कोई थर्ड एनर्जी ने इंटरफेयर किया हो आपके रिलेशनशिप में जैसे कि इस पर्सन की फ़ैमिली आपकी फैमिली कोई और कनेक्शन इस पर्सन का बट ये पर्सन फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ़ में और जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं सो so, यहाँ पे थोड़ा सा पेन है और यहाँ पे थोड़ा सा सैडनेस है यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा गिल्ट हो यू you नो know, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो ये आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल फील करें अगर आप इस पर्सन को बिल्कुल कोई भी अटेंशन या एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड अबाउट इट कि आप बात नहीं कर रहे हो या फिर यू नो आपने मूव ऑन कर लिया है और ये सारी चीज़ें हो सकता है पर्सन अभी फ़ील कर रहे हो और एक चीज़ जो ये पर्सन मिस कर रहा है वो आपकी केयर है वो आपका नर्चरिंग बिहेवियर है यू नो बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सेवन ऑफ वंस की एनर्जी है सेवन ऑफ वंस की एनर्जी बता रही है कि आप लोगों में कुछ कोल्ड वॉर टाइप की चल रही है या फिर uh, इस पर्सन को ये लगता है कि जब भी आ, आप इनसे बात करते हो तो आप इन पर अटैक करते हैं या फिर आप इन्हें बुरी बातें बोलते हैं या फिर यू नो दिस इन दैट तो यहाँ पे थोड़े से डिफेंसिव फील कर रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि जितना बुरा लिब, लिब्राज मुझे सोच मेरे बारे में सोचते हैं मैं उतना बुरा इंसान नहीं हूँ या फिर दिस इन दैट यू नो सो देर इज़ सम काइंड ऑफ वॉर बिटवीन यू टू कोल्ड वॉर इवन दो मुझे लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि यू um, नो you know, इनकी पूरी गलती नहीं थी या फिर सो दिस इज मोर लाइक कि ये कोई एक्स की एनर्जी दिख रही है लबराज बहुत ही ज़्यादा क्लियरली ओके एंड आई होप कि एक्स की एनर्जी वापस से नहीं आए क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड कर रहा है बट वी नेवर नो तो एक इंटेंशन रखते हैं कि अभी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं यूनिवर्स उनकी एनर्जी हमें दीजिए जो लेब्रा का फ्यूचर है प्लीज़ उनकी एनर्जी हमें बताइए यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस ओके यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया था ओके okay. हम्म hmm. तो अभी जो हम जिस पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं आप उनके साथ कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अगेन ये उस पर्सन की एनर्जी है जो अभी आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आपका फ्यूचर हो सकता है जो नया कनेक्शन हो सकता है आई मीन टू से कि ये आपकी एक्स की एनर्जी नहीं है या फिर ये आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी नहीं है दिस इज़ समथिंग न्यू ओके और न्यू मतलब कुछ महीने पुराना भी हो सकता है यहाँ पे थ्री ऑफ वांस की एनर्जी है और थ्री ऑफ वंस जिस जिन सारे कार्ड्स के बीच में आया है थ्री ऑफ वांस ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ में अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है या फिर ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है लबरास जो बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहा है कि अगर आपके साथ लाइफ हुई तो वो कैसी रहेगी और आगे आप दोनों के कनेक्शन में क्या पोटेंशियल है आप दोनों का कनेक्शन किस लेवल पे जा सकता है फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है तो ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्लान कर रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहा है और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है यू you नो know, यहाँ पे डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स इल्यूजन बता रहा है तो ये पर्सन ना थोड़े से इल्यूजन में भी हैं अगर आप यू you नो know, आप जिस भी लेवल पे इस पर्सन के साथ में स्टैंड करते हो हो सकता है कि आप लोग टेक्स्ट एक्सचेंज कर रहे हो हो सकता है आप कॉल्स पे बातें कर रहे हो, हो सकता है कि आप लोग कनेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हो या फिर इस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे डी फ्रेंडशिप है और येस देर इज़ अ हाई चांस कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएँ तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एल्यूजन्स में यू you नो know, ये अपने डे ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में या फिर अगर आपसे बात होती है तो उस बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं इमेजिन करते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आपका ऐसे बोलने का मतलब क्या था यू you नो know, आपका ये टेक्स करने का मतलब क्या था यू you नो know, तो बहुत ज़्यादा गेसेस कर रहा है ये पर्सन कि आप एग्जैक्टली exactly क्या फ़ील करते हैं और बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने हेड में भी हैं आपको ले तो इट्स मोर लाइक कि आप थोड़ी सी भी बात कर लो या फिर थोड़ा सा भी अटेंशन दे दो इस पर्सन को तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगता है या फिर डे ड्रीमिंग करने लगता है बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में तो मुझे बहुत ही ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही हाईली इंक्लाइंड है आपकी तरफ या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है इस पर्सन को आपके साथ बातें करना बहुत पसंद है इस पर्सन को आपसे मिलना बहुत पसंद है आई एम श्योर कि आप दोनों लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में तो यहाँ पे जितनी भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं या फिर बहुत ज्यादा आपकी बातें होती है उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेरिश करता है देर इज़ हाई चांस कि आप इस पर्सन से ऑनलाइन या इंटरनेट पे मिले हैं या फिर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप एक्सचेंज करते हैं सोशल मीडिया यहाँ पे दिख रहा है एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए थ्री ऑफ कप्स इसीलिए भी आ सकता है कि देर इज़ अ हाई चांस के यू नो आप लोग सेम ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स यू नो कोई कॉमन फ्रेंड्स हों आपके या फिर आप ऑफिस में साथ में जाते हैं मतलब कि आप और इनके अलावा और भी लोग हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं कॉमनली सो so, ये भी एक चीज़ है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन दिख रहा है और ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो um, यू you नो know, अपनी लाइफ में अपने करियर में अच्छा कर रहा है या फिर अपने करियर में फोकस्ड है या फिर ऑलरेडी ऐसी जगह से बिलोंग करता है जो जगह बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है लाइक दिस पर्सन इज सेटल्ड इन देयर लाइफ यू नो करियर इनका सॉर्टेड है या फिर इनके हो सकता है इनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स ये देखते हों इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल के यू you नो know, एनर्जी में ये आए हैं बट किंग ऑफ़ पेंटिकल मेजरली ये बताते हैं कि पर्सन ऐसा पर्सन है जो एक प्रोवाइडर बनना चाहता है और जो लोग प्रोवाइडर बनना चाहते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपको नर्चर करते हैं आपको सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं हमेशा आपके लिए स्टैंड लेते हैं खड़े रहते हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन है ये पर्सन ऐसा भी पर्सन है जो एक्चुअली अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी फैमिली का ध्यान रखता है इस पर्सन के लिए अपनी इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हैंगमैन है हैंगमैन ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक पर्टिकुलर जगह पर स्टक um, है आगे नहीं बढ़ रहा है तो अगर आप इनिशियल uh, कॉन्वर्जेसन या चैटिंग वाली स्टेज पे हैं तो देर इज़ अ चांस कि आप लोग बहुत ही टाइम से उसी स्टेज पे हैं आप आगे कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है तो ये पर्सन वेट भी कर रहा है राइट right टाइम का कि राइट right टाइम में ये कनेक्शन आगे जाएगा बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक एक स्टेज पर अटक चुके हैं फ्रेंडशिप वाले स्टेज पर भी हो सकते हैं क्या आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं या फिर फ्लर्टिंग वाले स्टेज पे भी हो सकते हैं कि आप दोनों से फ्लर्ट कर रहे हैं यू you नो know? तो ऐसी किसी एक जगह पे आपका कनेक्शन अटका हुआ है और इस पर्सन को अंदाज़ा है कि आप लोग अटके हुए हैं और ये पर्सन मेरे ख्याल से इस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़े यू नो एक ही जगह पे आप लोग स्टक होके ना रहें उसके बाद आपके साइड से स्टार कार्ड आया है और ए टू वांस आया है स्टार कार्ड बहुत ही होप रखना और पॉजिटिव होना और ऑप्टिमिस्टिक होना बताता है स्पेशली एक खराब फेस के बाद में लबरास तो देर इज़ अ हाई चांस के द स्टार कार्ड इसीलिए आया है कि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग पे अपने फोकस किया है मूव ऑन करने पे फोकस किया है अपनी लाइफ में और अब आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपनी लव लाइफ को लेके कर और आपकी लव लाइफ में किसी पर्सन से आपका कॉन्वर्जेसन भी होते हुए दिख रहा है आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं या फिर आई एम श्योर के कुछ दिनों में बात करने वाले हैं और मेरे ख्याल से यही पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं तो ये जो भी आपकी इस पर्सन से बातें हो रही हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है इवन दो आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट किया हुआ है लबराज बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपको इस पर्सन से बात करना अच्छा लग रहा है आई एम सो हैप्पी कि जो भी कुछ लाइफ में आपने अपने फेस किया है लव लाइफ़ में यहाँ पे द स्टार है और यहाँ पे द सन है द स्टार और द सन आपकी खुद की एनर्जी बता रहे हैं कि आप कितने होपफुल हैं आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप कितने पॉजिटिव हैं और कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में आ रही है बिकॉज यहाँ पे आपकी लव लाइफ का एक ऐसा फेज़ आते हुए दिख रहा है लबरास जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिख आ, मिल रही है किसी की यू you नो know. बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आपको किसी पर्सन से मिल रही है um, कोई पर्सन आपको यू नो पेडिस्ट्रियल पे रख रहा है तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव और उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है अगेन आपकी लाइफ में वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी हमेशा बहुत ही ज़्यादा ही दिखी है मुझे Um, मुझे पिछले कुछ महीने याद है जहाँ पे वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी रीडिंग में आए हैं हमेशा बट यहाँ पे um, वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन के आने का रीजन इस बार थोड़ा सा अलग हो सकता है बिकॉज़ आप किसी इस पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी सिनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ये किंग ऑफ़ पेंटिकल की एनर्जी में है राइट right? तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं अब मेल और फीमेल होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आप दोनों एक सिनर्जी में दिख रहे हैं मतलब येस yes, आप जिस पर्सन से बातें कर रहे हैं या जिसमें पोटेंशियल देख रहे हैं मुझे नहीं पता कि आप पोटेंशियल देख रहे हैं कि नहीं ये पर्सन तो फॉर श्योर पोटेंशियल देख रहा है और ऐसा समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है आप दोनों एक्चुअली एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं या पार्टनर्स बन सकते हैं बिकॉज आप दोनों में सिनर्जी हैं अब यहाँ पे पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आपकी क्यूरोसिटी भी बता रही है इस पर्सन के टूवर्ड्स हमने यहाँ पर देखा था पेज ऑफ शॉर्ट्स इस पर्सन के साइड से पहले ही आ गया था और यहाँ पे यू you नो know, आपके साइड से भी पेज ऑफ शॉर्ट्स आया तो यस आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं जान रहे हैं एक दूसरे को समझ रहे हैं एक दूसरे को एंड मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी कि एनर्जीज़ आर इंटरचेंजेबल तो आपको ये भी ध्यान रखना है हो सकता है एक पॉइंट पर आके आपको ऐसा लगे कि ये मेरी एनर्जी है और ये मेरे पर्सन की एनर्जी है ये चीज़ें हो सकती हैं यू वर्सेस देम रीडिंग में तो यहाँ पे यस आप दोनों एक दूसरे को लेके क्यूरियस दिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे टू ऑफ़ वांस की एनर्जी है टू ऑफ वांस की एनर्जीज बता रही है लेब्रास के आपको अभी भी कुछ डिसीजन्स लेने हैं अपनी लव लाइफ में अभी भी आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है कौन से ट्रैक पर जाना है अपनी लव लाइफ़ में आपको क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए थोड़े से आप अभी भी कंफ्यूज दिख रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लेंगे ये डिसाइड करने में कि आप एग्जैक्टली exactly अपनी लव लाइफ में चाहते क्या हैं लिबराज वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स ओके यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है द चैरिट की एनर्जी है आपकी लव लाइफ में अगेन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं हार्ट ब्रोकन एज इन के दिस इज़ नॉट लिटरली हार्ट ब्रोकन बट येस आपकी लव लाइफ में यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहे हैं जिन्हें आपकी इंडिपेंडेंस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं अगर आप अपने ऊपर काम करें अगर आप अननेसेसरी लोगों को अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो ये किसी पर्सन को हर्ट कर रही है चीज़ अब क्योंकि दो दो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहे हैं तो मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगी कि कौन ये चीज़ सोच रहा है बट आई थिंक ये कोई पास ग्लो तो मतलब कर, अच्छा कर रहे हैं उतना ज्यादा आपकी इंडिपेंडेंस या आपकी ग्रोथ किसी पर्सन को हर्ट कर रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी दिख रही है अभी किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यू uh, नो you know, ऐसा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे सूटर्स हैं आपके बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो इस पर्सन को पता नहीं है कि आपके साथ कोई चांस है या नहीं है और यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है जो पर्सन uh, ये इमोशंस को फील कर रहा है ये डेस्परेटली पर्सन आपके साथ में आगे भी बढ़ना चाहता है तो यस uh, yes, आपकी रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है बट आई डोंट नो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है बिकॉज कई बार मैं नहीं समझ पाती हूँ और आप लोग समझ पाते हैं आप देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या दिख रहा है फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है फ्यूचर में क्या इमोशंस आप फील कर सकते हैं याद रखिएगा लबराज फ्यूचर की जो एनर्जी है लबराज वो बहुत ज़्यादा करेंट सिटेशन के बेसिस पे आती है टैरो रीडिंग में टैरो रीडिंग्स में फ्यूचर फिक्स नहीं होता है फ्यूचर आपके आज के आ, आज की जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से यू नो प्रडिक्ट किया जाता है इवन दो देर इज़ हाई चांसेस कि एक्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपके साथ हो बट कभी कभी लव रीडिंग लव रीडिंग में दो लोग इन्वॉल्व हैं यू नो दो लोगों की एनर्जी साथ में आती है तो इस्पेशली लव रीडिंग का जो फ्यूचर है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है क्योंकि कि किसका कब कैसा दिमाग घूम जाए <laughs> किसी को पता नहीं है लव रीडिंग्स में तो ओके बट स्टिल्स सी कि क्या फ्यूचर दिख रहा है आपका उसके बाद में आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं हम गाइडेंस भी लेंगे कुछ यूनिवर्स की ओके वी हैव किंग ऑफ कप्स ओके आपके फ्यूचर में कोई ओ ओके 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 हम्म तो एक पर्सन के साथ में देखिए यहाँ पे आप किसी के साथ में सिनर्जी में दिख रहे हैं ये आपकी एनर्जी है ये किसी और पर्सन की एनर्जी है और उस पर्सन के साथ में टावर को हुआ है ये फ्यूचर में भी दिख रहा है कि ये कनेक्शन को हुआ है फिर यहाँ पे किसी और पर्सन की एंट्री हो रही है एंड यहाँ पे ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो बहुत ही क्लियर एनर्जी थी कि यस पास्ट में कोई कनेक्शन फेल हुआ है बट अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं और जिन नए कनेक्शन में आप सक्सेसफुल होंगे हंड्रेड परसेंट सी लबराज आई नो कि इस पॉइंट पे आके आप लोग थोड़े से ट्रिगर हो जाते हैं आप क्योंकि कई बार मैं वो चीज़ें नहीं बोलती हूँ जो आप सुनना चाहते हैं बट प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करिएगा अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी नहीं है तो आपकी तो ये रीडिंग आपकी नहीं है यू you नो know, हमेशा टैरो रीडर्स की गलती नहीं होती है कि वो चीज़ नहीं आ रही है जो आप सुनना चाहते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि मुझे हेट कमेंट्स लव रीडिंग में मिलने लगते हैं स्पेशली लव रीडिंग में तो लव रीडिंग में हेट कमेंट्स आप लोग क्यों करते हैं क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप सुनना नहीं चाहते थे अब अगर आपको लग रहा है कि आप मैंने वो चीज़ें है जो आप सुनना नहीं चाहते थे तो इग्नोर कर दें इस रीडिंग को यू you नो know? आप मत सुने आप आप समझ जाइए कि ओके ये रीडिंग नहीं है मेरे लिए बिकॉज मुझे ऑथेंटिक रहना जरूरी है मैं कुछ आपको कुछ अलग से कहानी नहीं बना के बता सकती हूँ जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बता सकती हूँ यू नो तो मैं लव रीडिंग मैं एक्चुअली आपसे इतनी बातें क्यों कर रही हूँ कि मैं लव रीडिंग्स को लेके थोड़ी सी डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ हमेशा मुझे नहीं पता रहता कि मुझे लव रीडिंग करनी है कि नहीं करनी है बिकॉज़ लव रीडिंग में जो हेट कॉमेंट्स आते हैं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मतलब आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कुछ आपके साथ में गलत कर रही हूँ तो जस्ट इट्स वेरी सिंपल कोई भी टैरू रीडिंग आप देख रहे हैं पहले तो इस डिविनेशन टूल को रिस्पेक्ट करिए कि कोई मेहनत कर रहा है आप तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए ओके टेरो रीडिंग टैरो रीडर्स को पहले रिस्पेक्ट करें प्लीज़ चाहे आप रीडिंग से रिलेट करते हैं चाहे आप रीडिंग से नहीं रिलेट करते हैं। अगर आप इस टूल को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ये टूल आपको गाइड करना पूरे तरीके से बंद कर देगा और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए मैसेजेस को ये जनरल रीडिंग है इतने सारे लोग इस वीडियो पर आएंगे ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान से रीडिंग रिलेट करे बेसिकली टैरो रीडिंग्स आपको इनसाइट्स देने के लिए होती हैं आपकी खुद की सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर पाएं इसलिए होती हैं गाइडेंस देने के लिए होती हैं तो इसीलिए यस आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ओके लेट इट बी स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस ओके तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए और पॉजिटिव रहिए लबराज जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे जितना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी लव लाइफ में और वैसे मुझे आप ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहे हैं जैसे मैंने आपको कार्ड्स मैंने आपके देखे हैं बट स्टिल अगर कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं अपनी लव लाइफ में Um, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ओके यू डिज़र्व लव ये कार्ड आपके लिए शायद से लास्ट मंथ आया था या फिर ये कार्ड आपके लिए आपकी इयरली प्रोडिक्शन में आया था जब आपको सजेशन दिया जा रहा था कि यू डिज़र्व लव आप लव डिज़र्व करते हैं पहली बात तो लबराज नो मैटर आपने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपनी लव लाइफ में बट यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हैं और आपको प्यार मिलेगा तो अगर फॉर एनी रीज़न आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया कि आई डोंट नो मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा तो फॉर श्योर sure आपको प्यार मिलेगा सो डोंट वरी अबाउट इट उसके बाद हाँ पे -dependency, addictions are affecting your romantic life. यहाँ पे को डिपेंडेंसी एडिक्शन्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी पे भी को डिपेंडेंट ना रहें बहुत जल्दी किसी पे भी इमोशनल डिपेंडेंसी ना दिखाएं जैसे ही आपने किसी से बात करना शुरू की वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लग गए उस पर्सन से ऐसा आपको नहीं करना है ओके okay? किसी भी कनेक्शन uh, में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम दें उस कनेक्शन को कि वो कनेक्शन मेच्योर हो सके और वो कनेक्शन ग्रो हो सके और वो बॉन्डिंग आ सके आप दोनों के बीच में इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाएं या एक्सपेक्टेशन रखने लग जाएं और ये भी मुझे लग रहा है कि सिलेक्टेड लोगों के लिए ही है बिकॉज ऑलरेडी आप लोग मुझे बहुत ही अच्छी जगह पर स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप इमोशनली मेच्योर हैं और आप इमोशंस में बह नहीं रहे हैं और यहाँ पर न्यू लव का कार्ड आया है अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स तो यस आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन दिख रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर ये नया पर्सन नहीं भी आया है आपके लिए तो देर इज़ अ हाई चांस कि आपको बहुत ही जल्दी uh, ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है न्यू लव की तरफ के okay? उसके बाद है फॉर गिविंग इन लर्निंग यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस उन लेसन्स को लर्न करें जो आपने उस कनेक्शन में सीखे हैं या फिर उस पर्सन से सीखे हैं लबरा ओके okay? के इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा पहले तो लेसन्स को लर्न करें जिससे कि वो लेसन्स वापस से रिपीट ना हों एक स्पिरिचुअली हम देखें आजकल सबको ये चीज़ें पता है आपको भी पता होंगी कि अगर हम अपने लेसन्स लर्न नहीं करते हैं तो वो अलग अलग पर्सन या रिलेशनशिप के फॉर्म्स में वापस से हमें वो लेसन्स मिलते हैं तो लेसन आपने अपने पास रिलेशनशिप में क्या लर्न किए हैं क्या वो कोडिपेंडेंसी का था आ, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप किसी भी कनेक्शन में आए तो अपनी पर्सनालिटी को लूज़ मत करें यू you नो know? अपनी पूरे काम वाम छोड़ के अपने लाइफ के गोल्स छोड़ के उस पर्सन में ना लग जाएं ये भी आपका लाइफ लेसन हो सकता है ये एक एग्जाम्पल है तो जो भी आपने पास्ट में लेसन्स लर्न किए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो लेसन्स रिपीट हो सकते हैं और फॉरगिवनेस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यू नो कि जो भी हुआ है जिस भी पर्सन से हमने ग्रजेस रखे हैं उन्हें माफ़ कर दें और अपनी एनर्जी फील्ड से जाने दें और मैं अगेन इस कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा लास्ट हमारी ईयरली रीडिंग में आई गेस हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है इस बारे में राइट तो वी डोंट नीड इट नाउ उसके बाद है सक्सेस आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होगी नो मैटर वॉट ओके बिकॉज सक्सेस भी मैं बहुत बार देख चुकी हूँ इम्प्रूविंग हेल्थ यहाँ पे आपकी बिलीफ सिस्टम आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ में रहते हैं सोचते हैं वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो रहा है और चेंज हो रहा है एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही बेटर पोजिशन में स्टैंड कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में जहाँ पर आप हील्ड हैं या फिर आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एवरी थिंग इज इम्प्रूविंग यू नो एंड येस और किसी चीज़ के लिए यस है अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए यस है या फिर आप सही कर रहे हैं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी लव लाइफ़ में उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट रखें भरोसा रखें कि चीज़ें हंड्रेड परसेंट आपके फेवर में वर्कआउट करेंगी लबरास ओके okay? अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कौन कौन से साइंस है दो एलिमेंट जो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं वो पहला है अम, फायर एरीज लियो और सैजिटेरियस मेष राशि सिंह राशि और धनु राशि उसके बाद वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन दैट इज कन्या राशि वृषभ राशि और मकर राशि और उसके बाद यहाँ पे एक्वेरियस हमें स्ट्रॉन्ग दिखे हैं कुंभ राशि इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग दिखे हैं मेष राशि उसके बाद हमें हमें लबराज भी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं तो देर इज़ अ हाई चांस के आपके पर्सन भी लबरा हों उसके बाद हमें फिर से टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है तो वृषभ राशि हमें दोबारा से दिखे हैं यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे जैमनाई दिख रहे हैं आ, मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग है और कैंसिरियंस दिखे हैं कर्क राशि ओके okay. अभी हम लेटर्स लेते हैं इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके okay. मुझे लगता है ना लब्रास के ट्रस्ट में मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं आपके लव लाइफ में ऑलरेडी आपके पास गाइडेंस है ऑलरेडी आप ऑलरेडी सॉर्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव द लेटर टी एंड आई एंड डी एंड आर एंड ई डी जे ई डी के आई 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 I N O V N T तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लब्रास टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय